नमस्ते, आज के जवान कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बते। जी हाँ युवा दर्शकन, आज के जवान कार्यक्रम का जो मुख्य विषय बते वह हस्तकला। कैसे एगो जवान लड़की हस्तकला की दुनिया में अपन कलात्मकता एवं सृजनात्मकता का पूरा पूरा प्रदर्शन करता और कैसे वो मेहनत करके निमन से अपन हस्तकला की दुनिया में तरक्की की राह पर चलता, आज देखब जा, ओकर काम निहारब जा और आज ओकर संगे बतियाब जा। ई वक्त हमनी मैडम लुलु रूजवेल्ट में हई जा और चला अब देखब जा कि कैसे ओकर काम बती। जय युवा दर्शकगण, आज के जवान कार्यक्रम देखते हुए जा अभी के साथ भोजपुरी चैनल पर और ई वक्त हमने के साथ रुचिका लक्ष्मण बते और ऊ हस्तकला की दुनिया में अपन रचनात्मकता एवं सृजनात्मकता का प्रदर्शन करे के एकदम तैयार बते, ऊ दक्षता हासिल कर ली बते। आज ओकर काम देखब जा और ओकर संगे बतियाब जा। सबसे पहले नमस्ते रुचिका। नमस्ते अभी। रुचिका, सबसे पहले हमने के ई बतावा कि रुचिका लक्ष्मण के है। मेरा नाम रुचिका लक्ष्मण है। मैं मनोर रुजबे में रहती हूँ। okay. मैं एक जवान लड़की हूँ। मैं इस वक्त लोअर सिक्स में हूँ। अच्छा। मुझे हस्तकला यानी कि क्राफ्ट आती है। मुझे सिलाई बुनाई करना भी आती है। अच्छा। और मैं ये उन सब कलाओं को मैं इस हस्तकला में अप्लाई करती हूँ। जी हाँ बिल्कुल, रुचिका लक्ष्मण जो रुजबेल के रहेलन उ हस्तकला के माध्यम से अपन भीतर के जो सृजनात्मकता बते वो हैजा दिखावे के एकदम तैयार बते। बकेर अब एगो बहुत ही सुंदर काम शुरू करियन जा तो देखा जा। मैं एक हंस करने वाली हूँ अखबार के साथ। मैं उसके लिए मैं एक बेस बनाने वाली हूँ, फिर बाद में उसके पंख डालूँगी। अब मैं शुरू करती हूँ। Thank you.
जी हाँ बिल्कुल, जो काम अभी देख ले हवा अपन आप में बहुत ही सुंदर और दिलचस्प बातें, काहे कि ऐसा काम करे के इतना आसान नहीं बातें, रुचिका लक्ष्मण है काम करे के वो अपन प्रवीणता हासिल कर ली बातें। अब रुचिका हमने के ये बतावा कि कब से आप हस्तकला शुरू कर ले हवा? मैंने हस्तकला शुरू की थी जब मैं 5वीं कक्षा में थी। अच्छा। मेरे मुझे इन इन सब में दिलचस्पी और आने लगी। फिर मैंने बहुत कुछ सीखा, फिर मैंने ये सब बनाया। अब मैं अभी भी सीख रही हूँ, लेकिन मुझे अपनी हस्तकलाओं में मेरे खुद की आइडियाज़ मुझे डालना पसंद है, क्योंकि मैं हर तरह के हर प्रकार के पेपर यूज़ करती हूँ। अच्छा। एम्ब्रॉयडरी भी यूज़ करती हूँ, बहुत सारे टैलेंट जिसमें मैं अच्छी हूँ मैं वो उन सब में डालती हूँ। जितना जन काम है जा देखत हो जा ई में रुचिका लक्ष्मण के अपन रचनात्मकता और अपन विचार बाते बकेर हाई सब की छोड़ छाड़ छाड़ के एक बहुत ही सुंदर काम अब देख जा जन रुचिका कर ले बाते तो देख जा। मित्रों देखा तो जा है जा भोजपुरी कार्यक्रम अभी के संगे और आज के जवान कार्यक्रम के जो मुख्य मेहमान बते ओकर नाम है रुचिका लक्ष्मण। हस्तकला की दुनिया में वो है जा दिखावता अपन सुंदर जुली जुली काम। अब रुचिका हमने के ई बतावा कि हस्तकला करे के कहाँ से आपके आपको प्रेरणा मिलल बते? मुझे ये सब करने में मेरी बहन से प्रेरणा मिली ये सब पेपर क्राफ्ट करने के लिए, पर मुझे सिलाई बुनाई मेरे माँ बाप से सीखा और फिर मैं अपने चाची से बहुत कुछ भी सीखा, मेरे चाचा जी से भी, क्योंकि वो एक टेंट ऑर्गेनाइजर हैं। okay. वो शादियाँ ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसने मुझे डेकोरेशन का मतलब सिखाया और मुझे बहुत सारे टिप्स दिए कि मैं मेरी कला को कैसे प्रदर्शित करूँ, जैसे कि आज मैंने ये सब इस तरह से प्रेजेंट किया। इन सब लोगों से मुझे ये प्रेरणा मिला। जी हाँ बिल्कुल, हर काम करे के प्रेरणा पावे के अपन चाचा अपन माँ बाप अपन बहन से मिलल बाते। अब है जा जो काम जैसे कि देखा था जा ओकर भीतर ओकर पाछे ढेर मतलब पाशंस से इत्मीनान होकर के है सब कमवा करे के चाहिए तो देखा जा।
युवा दर्शकगण, टाइम मैनेजमेंट जकरा हमनी समय के बटाव के बारे में बोली ला सा उतना आसान नहीं बातें, बकर अगर आपके जिंदगी में टाइम मैनेजमेंट बातें तब जा करके आप अपन काम निमन से कर बजा। तो अब रुचिका लक्ष्मण हमने के ये बतावा कि कैसे आप अपन टाइम मैनेजमेंट करे ला। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं लोअर सिक्स में हूँ, मुझे ये सब करने में वक्त लगता है, हस्तकला को वक्त लगता है करने में। मुझे ये सब करने के लिए समय नहीं मिलता है क्योंकि मैं ट्यूशन भी लेती हूँ। अच्छा। फिर मुझे स्कूल के गृह कार्य करना पड़ता है तो मुझे वक्त नहीं मिलता, पर फिर भी मैं हर हफ्ता 3 घंटे मैं ये सब करती हूँ, प्रिपेयर करती हूँ क्योंकि मुझे ये सब पीसेस बनाने पड़ते हैं ताकि मैं ये स्वयं कर सकती हूँ। अच्छा, तो हजा एगो बहुत ही सुंदर हंस सकबजा देखे अपन आप में, बहुत ही सुंदर बातें। हर जुन पापिये आका जरा हमने बोली ला सा है जा उ कर के दिखावता, बकेर है के चह हंस हंस के छोड़ करके एगो बहुत ही सुंदर मोताज अब रुचिका लक्ष्मण करियंजा देखा जा। युवा दर्शकगण, देखा था वजह आज के जवान कार्यक्रम अभी के संगे और हाइजा हमने के साथ हस्तकला विषय पर हमने बतियावत है सा और जली जली काम भी देखा था वंजा हाइजा। अब हमने के ई बतावा कि आपकी जिंदगी में आप एगो छात्रा हवा तो आपकी जिंदगी में भी चुनौती बातें ना चैलेंजर जरा हमने बोली ला सा, तो कौन कौन चैलेंजेस बातें अपन जिंदगी में? ये सब आइडियाज को एग्जीक्यूट करने में मुझे बहुत कठिनाई होती हैं क्योंकि मैं हर तरह के पेपर यूज़ करती हूँ, जैसे न्यूज़पेपर, हर प्रकार के मटेरियल यूज़ करती हूँ। कई बार मुझे एक आइडिया आया, मैंने ट्राई किया पर वो अच्छा नहीं बना, तभी अपना पेशेंस नहीं लूज़ करती हूँ, मैं बार बार कोशिश करती हूँ फिर आखिर में वो अच्छा बन जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, बार बार कोशिश करनी चाहिए बोली लासा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। और कबीरदास बोलन बातें कि करत करत अभ्यास जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर करत निशान। तो निशान करवा और है एक आशा मतलब है जा मतलब देवत हैं, है ये मतलब कामना देवत हैं कि हमेशा आप भी मतलब जितना जिन काम है जा दिखावत हुआ उनमें और ज़्यादा मतलब परफेक्शन जरा हमने बोली ला सा ओकर जिन तुष बातें सकबजा दिखावे।
सी थ्रू माय चेंज युवा दर्शकगण, जैसे कि देखा था वजह है जा एक बहुत ही सुंदर हंस बन गल बाते, ओकर पंख अपन आप में बहुत ही लाजवाब बाते। तो अब रुचिका हमने की बताओ कि हाई बनावे के कितना समय लगल, कितना लेता लगल और ये कौन प्रकार के कला है? मुझे ये बनाने में 2 घंटे लगे। ये हम उससे कहते हैं फिगुरिगामी। अगर हम कुछ भी पेपर से बनाते हैं उसे ओरिगामी सिर्फ कहते हैं, पर ये एक और है जिसमें कम उस हंस को हम फ्रीडी रियलिस्टिक बनाते हैं, तो इसे हम फ्रीडी ओरिगामी कहते हैं। फ्रीडी ओरिगामी और हई जन कला बाते, मतलब जन काम बाते हई बनावे के लगभग 2 घंटा लगेला। अब जितना हमने के जो युवा दर्शकन है कार्यक्रम देखा था वंजा, रुचिका कौन संदेश देवा? तनाव से दूर भागने के लिए हमें धूम्रपान नहीं लेना चाहिए, हमें सही मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए। जैसे कि मैं ये सब करती हूँ, आप लोगों को भी ये सब कर सकते हो। अगर आपको हस्तकला नहीं करना चाहते हैं तो आप दूसरे बहुत दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आप जो आप कर सकते हो, आप वो कर सकते हैं। आपको गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल गलत रास्ते पर नहीं जावे के चाही, कहे कि उमें बर्बादी बाते। बकिर सकबा जा कला करे और अपन भीतर के जो तनाव बाते ओकरा दूर भगावे के बहुत चीज बाते। म्यूजिक सकबा जा करे, डांस सकबा जा करे, अलग अलग जुन मतलब जुन कला बाते सकबा जा अपनावे। तब बहुत बहुत धन्यवाद रुचिका लक्ष्मण, आज मौका मिलल बाते आपके सृजनात्मक कार्य देखे के। और आज के जवान क्रू देने से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत मतलब बधाई कि ऐसा काम आप करत हुआ और हस्तकला की दुनिया में आप हमेशा तरक्की की राह पर चलबा, यही कामना देवब्बा। तयुवा दर्शकन, आज के जवान कार्यक्रम है जा समाप्त हुआ था। आप भी हमने के साथ है कार्यक्रम में सकबजा शामिल होए। हमने के पता है आज के जवान प्रोग्राम भोजपुरी चैनल MBC मौका। तब तक रुचिका और अभी की ओर से नमस्ते।